भाई पिंग सरकारी भाई पिंकी कब आएगा। इसी तरह से बहुत सारे महान पुरुषों के द्वारा अनसेंड कुछ भी कमेंट किया गया है। खैर चलो कोई ना, कल मैं आप लोगों का कमेंट्स वगैरह रीड कर रहा था और लगभग 200 से भी ज्यादा कमेंट थे सिर्फ और सिर्फ पिंक डायमंड को लेके। भाई पिंक डायमंड कब आएगा, पिंक डायमंड क्यों नहीं आया इस अपडेट के अंदर, पिंक डायमंड का कंफर्म रेट क्या है। पूरा एक झोला कमेंट आया था और आपकी परेशानी मेरे से देखी नहीं गई। सो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं फाइनली पिंक डायमंड स्टोर के कंफर्म डेट के बारे में। और मुझे पता आप लोगों ने काफी सारे वीडियोस तो देखा होगा बट आप लोगों को अभी तक कंफर्म डेट पता नहीं चला होगा, बट आज की वीडियो को देख लीजिएगा, कंफर्म डेट पता नहीं चलेगा तो फिर मेरे को बोलना। और जिसने कल वाली वीडियो देखा होगा उसको पता होगा मैंने कल की वीडियो के अंदर सितंबर मंथ का मतलब कि नेक्स्ट मंथ का बुया पास का मैंने रिव्यू करा था। आज हम लोग अक्टूबर मंथ का बुया पास का रिव्यू करेंगे गाइस, देखने के बाद तो मजा आ जाएगा एकदम। मतलब आज हम लोग अगला बुया पास का रिव्यू करेंगे, समझ रहे हो भाई। और अभी तक आप लोगों को ये चीज कोई भी नहीं दिखाया होगा। इसके साथ ही हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यू इवेंट के बारे में, इसी तरह के और भी कुछ न्यू इंटरेस्टिंग इवेंट्स वगैरह देखने वाले हैं। तो मेरे भाई आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हां बस वीडियो को शुरू करने से पहले प्यारा सा लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हां जी, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि जिसने कल वाली वीडियो को देखा होगा उन लोगों को पता होगा कि मैंने कल की वीडियो के अंदर भाई नेक्स्ट मंथ का बुया पास का रिव्यू करा था, मतलब कि सितंबर मंथ का बुया पास का रिव्यू करा था। बट आज हम लोग देखने वाले हैं अक्टूबर मंथ का बुया पास, कहने का मतलब ये कि अगला का अगला महीने वाला बुया पास। हां जी, तो चलिए देखते हैं अक्टूबर मंथ का बुया पास का कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा। एंड सबसे पहले आप लोग यहां पर M60 का स्क्रीन देखने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही खतरनाक और मस्त लग रहा है देखने में। आगे थोड़ा सा चलने के बाद आप लोग यहां पर बैकपैक का स्किन मिलने वाला है, जी हां, कि आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा लेवल 10 पे। देखने में भी ठीक ठाक लग रहा है कि नॉर्मल सा तो है बट हां चलो सही है, काम चल जाएगा भाई। देन इसके बाद आप लोग एक स्काई बोर्ड का स्किन देखने को मिल जाएगा जो कि एकदम डक टाइप का बनाया गया, मतलब बत्तख टाइप का बनाया गया और भाई देखने में बहुत ज्यादा क्यूट सा लग रहा है, मतलब सही लग रहा है भाई। इसके अलावा यहां पर आप लोग एक बैनर भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आगे चलते तो यहां पर आप लोग M60 का स्किन फिर से दिया गया है। इसके बाद यहां पर देखो वाउचर वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। एंड यहां पर देखो भाई साहब ये अपना लूट बॉक्स का स्किन, अरे वाह काफी अमेजिंग लग रहा है भाई साहब, मतलब देख रहे हो कितना ज्यादा क्रिएटिविटी इसके अंदर दिया गया है। वाह चश्मा समा देखो एकदम आग फाड़ फाड़ के देख लिया भाई साहब। एंड यहां पर देखो जो पानी में चलता है ना गाड़ी उसका स्किन यहां पर देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह का, ये भी सही लग रहा है भाई, मस्त लग रहा है मेरे को। अभी थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं देखते हैं क्या कुछ यहां पर दिया गया है। सो गाइस यहां पर देखो चश्मा, अरे भाई साहब ये बिल्कुल फ्री में आप लोगों को मिल जाएगा, एकदम हनी सिंह मर के घूमते रहना ठीक है। अब बाकी यहां पर आप लोग एक ग्लू वॉल का स्किन भाई देख रहे हो, मतलब ग्लू वॉल का स्किन देख रहे हो ना गाइस, आरके के मुंह टाइप का कुछ ऐसा बनाया गया ग्लू वॉल, काफी ज्यादा अमेजिंग है, काफी ज्यादा क्रिएटिविटी इसके अंदर यूज किया गया है। एंड बाकी तो इसके अंदर और भी देखते बहुत सारे रिवार्ड्स है, जैसे कि यहां पर देखो बैनर भी अवतार भी देखने को मिल जाएगा। एंड इसके बाद अपन देखते हैं क्या कुछ टोकन वगैरह भी आप लोग यहां पर देख सकते हो। और मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि गाइस अभी तक आप लोगों को अक्टूबर या फिर सितंबर मंथ का बुया पास का अभी तक कोई भी रिव्यू नहीं करा होगा। और कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को नवंबर मंथ का बुया पास का रिव्यू करने वाला हूं, ठीक है। हां जी, तो यहां पर आप लोग एक पैक का स्किन में देखने को मिल जाएगा जो कि आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री में मिलेगा, सही लग रहा है भाई, नॉर्मली ठीक ठाक है। एंड कलर इसका जो है मेरे को सही लग रहा है। एंड ये एक आप लोगों को ग्रोजा का स्किन भी देखने को मिल जाएगा जिसमें कुछ भी एट्रीब्यूट्स नहीं, एकदम नॉर्मल सा गन स्किन है। ओके, तो इसके बाद अपन देखते हैं कुछ और भी रिवार्ड्स वगैरह दिया गया हो तो। हां जी, तो यहां पर देखो M60 का गन स्किन यहां पर आप लोगों को बिल्कुल ही परमानेंट मिल जाएगा अगर आप लोग बुया पास को परचेस करते हैं तो। चलिए अपन थोड़ा सा और आगे चलते देखते हैं क्या कुछ इसके अंदर रिवार्ड्स वगैरह। ये भाई टोकन बार-बार क्यों आ रहा है। हां जी, तो यहां पर देखो एक न्यू चीज निकल गया है जो कि ये है, ये बेसिकली एक बैट का स्किन है और भाई एकदम मस्त लग रहा है, काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है, मतलब इसे हाथ पे लेके घूमेंगे ना तो बहुत बढ़िया लगेगा, मछली टाइप का पूरा डिजाइन वगैरह किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। बाकी इसके बाद आगे चलते देखते कुछ और भी रिवार्ड्स वगैरह यहां पर दिया गया हो तो। हां ओके, तो यहां पर आ जाता है फीमेल का बंडल। जी हां मेरे भाई, आप लोग फीमेल का बंडल देख सकते हो, बहुत ज्यादा बढ़िया भाई, एकदम समर टाइप का हल्का फुल्का डिजाइन वगैरह किया गया, मतलब ये जो बुया पास है पूरा अपने सी के ऊपर डिजाइन वगैरह किया गया है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो मेल का बंडल ऑलरेडी मेरे को बहुत सही लग रहा है भाई, आप लोग को कैसा लगा मेरे को बताना कमेंट के अंदर। इसका बेसिक और कस्टमाइज बंडल दोनों ही आप लोग देख सकते हो, बहुत सही है भाई, आप लोग मेरे को बताना कमेंट के अंदर कैसा लगा आप लोग ये बंडल। हाँ जी, तो यही सारे के सारे रिवार्ड्स है जो कि आप लोगों को अक्टूबर मंथ के बुया पास के अंदर आएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोग के लिए एक न्यू टोकन भी इवेंट निकल कर रहा है। बेसिकली आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि कैसे जो होड़ा वाला मुंह वाला बंडल है ना ये अपने गेम के अंदर कब आएगा। सो फाइनली इसका जो कंफर्म इवेंट निकल के आ चुका है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसका नाम होने वाला यूनिकॉर्न रिंग। ओके, इसके अंदर सबसे पहले आप लोग को घोड़ा वाला जो मेल वाला बंडल है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही आप लोग को फीमेल का बंडल भी देखने को मिल जाएगा। मेल वाले से भाई फीमेल वाला बंडल तो कई गुना बेहतर है, एकदम मस्त और फर्स्ट क्लास लग रहा है भाई साहब, देख रहे हो ना चश्मा वश्मा देख लो एकदम मस्त लग रहा है। एंड इसके बाद आ जाता है एक न्यू ग्लू वॉल का स्किन जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसका जो कलर था एंड मेरे को इसका जो बनावट है बहुत ज्यादा पसंद है, बिकॉज यहाँ पर आप लोग व्हाइट कलर भी हल्का हल्का देख सकते हो, मतलब चमक रहा है ऐसा बोल सकते हो आप लोग। सो ग्लू वॉल का स्किन ओवरऑल बहुत ही मस्त लग रहा है भाई। ओके, एंड इसके बाद आप लोग एक न्यू कटाना का स्किन फाइनली देखने को मिलेगा। ये चार चीजें जो कि इस रिंग इवेंट के अंदर मेन है और कटाना का स्किन तो सच में एकदम लाजवाब एकदम मस्त लग रहा है भाई साहब, इसके अंदर जो एनिमेशन निकल रहा है ना देखो यार क्या ही लग रहा है भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग के लिए कुछ इस तरह का एक न्यू रिंग इवेंट निकल के आ रहा है। इसके बाद एक न्यू वेब इवेंट भी निकल के आ रहा है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, वो जो सारे के सारे रिवार्ड्स उसी इवेंट के अंदर आप लोगों ने जो टोकन वाले इवेंट के अंदर देखे यहाँ पर वही रिवार्ड्स अवेलेबल कराए गए हैं। देख सकते हो आप लोग मेल वाला बंडल भी, कुछ इमोट्स भी है एंड साथ ही साथ कटाना का स्किन भी है, वही वाला ग्लू वॉल का स्किन यहाँ पर भी डाल दिया गया, बट हाँ फीमेल का बंडल यहाँ पर नहीं दिया गया, वो आप लोगों को कोई और इवेंट के अंदर दे सकता है करीना। बाकी मेरे भाई फिलहाल अभी दो इवेंट निकल के आ रहे थे जिसमें हम लोग इस सारे के सारे रिवार्ड्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं जो कि यूनिकॉर्न थीम के ऊपर बनाया गया, मतलब कि गधा वाला मुंह वाला बंडल के थीम के ऊपर बनाया गया है। बट दुखी की बात यह है कि गाइस हम लोग को इस अपडेट के अंदर ये आएगा बट इसका कंफर्म डेट अभी तक निकल के नहीं आया है। बाकी देखते हैं कुछ और भी इसके रिलेटेड आगे चल के न्यूज आएगा तो मैं आप लोगों को आने वाले वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल अपन वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और फाइनली बात कर लेते हैं पिंक डायमंड स्टोर के बारे में। मुझे पता है आप लोग इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहे हो एंड भाई आप नहीं मैं भी कर रहा हूँ, बट देखो जानने लायक बात यह है कि गाइस इस बार जो पिंक डायमंड स्टोर रहेगा काफी डिफरेंट रहेगा, काफी अलग रहेगा। अगर बात आता है कैसे, तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो जो पिंक डायमंड स्टोर रहेगा वो यहाँ पर इवेंट की तरह आएगा जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो।
यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे बंडल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सेंटा क्लॉज वाला आप लोग बंडल देख सकते हो, बहुत ही अच्छा खासा लगता है। एंड इसके बाद बहुत सारे और भी बंडल्स हैं, जैसे कि पोलर बियर वाला बंडल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही ठीक ठाक लग रहा है भाई साहब। एंड इसके बाद यहाँ पर पर्पल शेड बंडल, अरे वाह भाई साहब, एंड यहाँ पर फीमेल का बंडल भी देखने को मिल जाएगा आप लोग को। इसके बाद और भी काफी सारे बंडल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर गनस्किन वगैरह भी देख सकते हो, कुछ गनस्किन भी है। ओके, यहाँ पर ये वाला बंडल देखिए, फैंटम बियर करके इसका नाम वगैरह दिया गया है, बहुत ही सही लग रहा है भाई साहब। इसके बाद और भी बहुत सारी रिवार्ड्स हैं, जैसे कि आप ग्लूवाल का स्किन देख सकते हो आप लोग, मतलब कि इस बार का जो पिंक डायमंड स्टोर है बिल्कुल ही अलग रहेगा। यही सारे के सारे रिवार्ड्स आप लोगों को इस बार के पिंक डायमंड स्टोर के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी कहीं जहां तक बात किया जाए इसका कंफर्म डेट का, तो फिलहाल इसका कंफर्म डेट के ऊपर बातचीत चल रहा है और इसका कंफर्म डेट भी बहुत ही जल्दी निकल के आ जाएगा, तब तक आप लोग थोड़ा सा तो वेट करना ही होगा। तो बस आज के लिए इतना ही था, होप करते हैं कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। सो वीडियो मेरा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।